हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है जो मैं आपको दो कलर के धागे में ये डिज़ाइन बुन के दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है और आसान भी है। इस डिज़ाइन को जो आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन है जो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो मैं जो आज आपको ये दो कलर के धागे में डिज़ाइन बुन के दिखाती हूँ कि कैसे ये बनाया जाता है। यहाँ पे जो आप नीचे फ्रेंड्स बॉर्डर भी बना सकते हैं, और फंदे लगाने के बाद तुरंत आप इस डिज़ाइन को भी शुरू भी कर सकते हो। ये देखिए, तो यहाँ पे जो मैंने फंदे लगा दिए हैं, ये इस तरह से। और जो आपके जो ये डिजाइन है, ये आपके बैक साइड से बनेगा। सॉरी, आपके जो ये डिजाइन है, ये बैक साइड से बनेगा। तो आपने इस तरह से जो इसमें दूसरे कलर का धागा लगाना है, इस तरह से ऐसे, और फिर इसको कस देना है। फिर जो ये जो दूसरा फंदा है, वो आपने बगैर बुने ही राइट हैंड की सिलाई पे स्लिप कर देना है, और फिर जो ये वाला है वो आपने बुन देना है। फिर आपने दूसरा फंदा, ये भी आपने इस तरह से इसके ऊपर ले जाना है। दूसरा फंदा बगैर बुने ही राइट हैंड की सिलाई पे स्लिप कर देना है, और ये तीसरा फंदा आपने इस तरह से बुन देना है। जो आपकी क्रीम कलर का धागा है, फंदा है, वो आपने बुन देना है, और ये मेहरून कलर के आपने बगैर बुने ही राइट हैंड की सिलाई पे स्लिप कर देना है। एक फंदा आपने बुनना है, एक फंदा आपने राइट हैंड की सिलाई पे स्लिप कर देना है। एक फंदा बुनना है और एक बगैर बुने ही राइट हैंड की सिलाई पे इस तरह से स्लिप करना है। एक बुन के निकालना है, एक स्लिप करना है, एक बुन के। ये देखिए इस तरह से, ये फर्स्ट रो हो गई मेरी उल्टी साइड से। ये जो मेरी राइट साइड है, और राइट साइड से देखिए, आपने पहला फंदा मैंने स्लिप किया, फिर धागा अपनी साइड गया। राइट साइड से जो आपने इस फंदे को, सॉरी, इस जो रो को है वो उल्टा ही बुन के ले जाना है। ये जो पूरी रो है वो आपके राइट साइड से उल्टी ही बन के जाएगी। और ये पूरे जो आपने स्लिप करे हुए थे फंदे, ये भी अब आपने इस क्रीम कलर के धागे से बुन देना है। इस तरह से आपने ये ऐसे बुन के ले जाने हैं, ऐसे करके, ऐसे कलर के बुन के लेके। फिर जो इसके बाद आपने इसके बाद ये देखिए, आपने ये फंदा भी बुन के लेना है। यहाँ पे जो अब आपने दो फंदे जो मेहरून कलर के बुनने हैं, ये जो दूसरे कलर के हैं, ये दो फंदे आपने इस तरह से बुनने हैं। फिर धागा अपनी साइड किया, और एक फंदा आपने बगैर बुने यहाँ स्लिप कर दिया, और दूसरा फंदा आपने यहाँ पे मेहरून कलर के धागे से बुन देना है ऐसा। फिर आपने व्हाइट फंदा स्लिप किया और मेहरून कलर का फंदा बुन के निकाला। एक फंदा व्हाइट स्लिप किया और मेहरून कलर का बुन दिया। फिर एक फंदा व्हाइट स्लिप किया और एक फंदा बुनना है। एक फंदा बुनना है और एक फंदा आपने स्लिप कर दिया। यहाँ पे जो मेरे दो फंदे लास्ट वाले मेहरून कलर में निकलेंगे, जैसे यहाँ फर्स्ट वाले में दो निकले थे, ऐसे यहाँ पे लास्ट वाले भी दो मेहरून कलर में निकलेंगे। अब मेरी राइट साइड आ गई है, देखिए राइट साइड से इस तरह से जो आपके ये डिजाइन दिखेगा। अब राइट साइड से पहला फंदा मैंने स्लिप किया और धागा अपनी साइड लिया। ये जो रो हो आपने ये राइट साइड से भी उल्टी ही बुन के ले जानी है। ये डिजाइन आपके दोनों साइड से, बैक साइड से भी उल्टा बनेगा और राइट साइड से भी उल्टा बनेगा, इस तरह से। और ये जो रो आपने जो व्हाइट फंदे भी, अब आपने पूरी रो आपके मेहरून कलर के धागे से जाएगी। रॉन्ग साइड से जो आपके इस तरह से, देखिए मैं एक रो और बताती हूँ। पहले जो आपने यहाँ पे पहला फंदा
डिजाइन वाला होगा, इसलिए यहाँ पे जो पहला फंदा है वो बुन के निकलेगा इस तरह से। फिर धागा अपनी साइड किया, यहाँ पे एक फंदा आपने बगैर बुने ही स्लिप कर देना है और ये बुन देना है। फिर स्लिप किया बगैर बुने ही, फिर एक बुन दिया, फिर स्लिप किया, फिर एक बुन के निकाला, ये वाला फंदा स्लिप किया और ये एक फंदा बुन के निकाला, ये स्लिप किया, ये बुन के निकाला, ये स्लिप किया और ये बुन के निकाला। इस तरह से जो आपका पूरा ये रो ऐसे ही बनेगी। एक फंदा आपने बुन के निकालना है और एक स्लिप करना है। फिर आप राइट रो पे आ जाते हो, राइट साइड आ जाते हो, राइट साइड से जो आपने पहला फंदा स्लिप किया और फिर उल्टा, राइट साइड से भी आपने उल्टा उल्टा बुन के ले जाना है ऐसे करके। ऐसे करके आपने ये पूरी रो उल्टी उल्टी बुन के ले जानी है और इस तरह से आपके जो ये डिजाइन बनेगा, ये देखिए ये बहुत ही आसान सा और सुंदर सा डिजाइन है। फिर जो आपका डिजाइन ये ऐसे दिखेगा, ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। वैसे आप इसको जो दोनों साइड वेयर भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये मेरा डिजाइन पसंद आता हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।